रिलेवेंट है। तो हमारा टॉपिक है इसको बोटेनिकल यूजेज ऑफ मेडिकल प्लांट इन जीबी। तो मैं हूँ एमन चौधरी फ्रॉम क्लास 8 जी एस। इट्स मी निदा जावेद फ्रॉम क्लास 8 जी एस। इट्स मी मरियम जहरा फ्रॉम क्लास 6। इट्स मी जाब जहरा फ्रॉम 7 जी। तो मेरे जो है वो अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवाना है। तो सबसे पहले इथ्नोबॉटनी, व्हाट इज इथ्नोबॉटनी? आप सबके ध्यानों में ये सवाल आ रहा होगा कि इथ्नोबॉटनी क्या है। तो इथ्नोबॉटनी जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाती है एक ह्यूमन और एक प्लांट के बीच में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरे बात में बोले कि इथ्नोबॉटनी क्या है, तो जो इंडिजीनियस पेपर है वो किस तरह प्लांट्स को ट्रेडिशनली इस्तेमाल करते हैं, इसको इथ्नोबॉटनी कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारी स्टडी है वो फोकस करती है किसके ऊपर, इतने बॉटनी नॉलेज के ऊपर। और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में कितने डिफरेंट वैरायटीज हैं प्लांट की, इसको हम मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग खुद सोचते हैं क्या पुराने जमाने में ये मेडिसिन हॉस्पिटल वगैरह ऐसी कोई चीज़ें अवेलेबल थी? नहीं थी। आप लोग सोचें, अपने दिलों पर जोर लगाएं, क्या उस जमाने में मेडिसिन हॉस्पिटल से चीज़ें अवेलेबल थी? नहीं थी। तो अब हम अपने जहन हमारे जहन में सवाल आ रहा होगा क्या उधर बीमारियाँ नहीं होती थी उस वक्त, उस जमाने में क्या बीमारियाँ नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। उस जमाने में बहुत से डिजीज ऐसी थी जो होती थी। तो वो लोग क्या करते थे कि जब प्लांट को एज अ मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते थे, अलग अलग मुख्तलिफ तरीकों से वो लोग इस्तेमाल करते थे प्लांट्स को। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि एक प्लांट और जो एक ह्यूमन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हम लोगों ने देखा है बचपन से और हम देखते आ रहे हैं, शायद इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आगे की जो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है वो भी ये चीज़ें देखती रहे। हम लोग देखते हैं कि हम कहीं कोई भी नया घर वगैरह जब बनता है तो हमारे जो बुजुर्गान वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, कि उसके अंदर स्पंज, हम लोकल में हम लोग स्पंज बोलते हैं। उसके अलावा इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पिग्नम हलमाला, ठीक है। इसका क्या करते हैं, धुआं निकालते हैं, निकाल के अपने घरों के घर में फैला देते हैं। और उन लोगों का ये बिलीव है कि वो लोग ये सोचते हैं कि हम जब ये करते हैं तो पूरा जो हमारा घर होता है उधर से बीमारियाँ पूरी निकल जाती हैं, शैतानी वगैरह घर से निकल जाते हैं। ये उन लोगों का एक अलग बिलीव है और शायद ऐसा होता होगा तब वो ये सब कर रहे हैं। ये शो करता है कि मतलब कितना कि एक इंसान और प्लांट के अंदर कितना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी जो हमारे सरस्टैन ने बताया था आप लोगों को पहले भी, कि जब हम लोग एक चिली यूनिपेरस बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नाम उसका जो है वो है यूनिपेरस, जो हम लोग इसको किसी दयन के सामने लाते हैं और जला देते हैं, तो वो जो दयन होता है वो अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और जो अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताना शुरू कर देता है, जिससे जाहिर होता है कि एक ह्यूमन और एक प्लांट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इसके आगे मेरी सिद्धार्थ जावेद कंटिन्यू करेगी। क्या थे तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात गौर करने की है, पास्ट में हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं होते थे तो तब भी तो लोग जाहिर सी बात है इंसान है बीमार होते थे, उनको भी नजला जुकाम पेट दर्द वगैरह से डिजीजेस उनको होती थी। तो हॉस्पिटल्स नहीं थे तो तब वो अपनी ट्रीटमेंट कैसे करते थे? तब उस दौर में तबीब वगैरह हुआ करते थे जिनको हर्बल प्लांट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी और वो बड़ी से बड़ी डिजीज को हर्बल प्लांट्स के थ्रू यानी वो अपनी ट्रीटमेंट करते थे। तो हमारा ये मेन जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि इसको बोटेनिकल नॉलेज को है जो है हम डॉक्यूमेंट कर सके। अफसोस मगर जो इंडिजीनियस जो हमारे पास जो पीपल थे उनके पास जो नॉलेज थी हम उसे डॉक्यूमेंट नहीं कर सके, क्योंकि उनके पास ऐसे टेक्निक्स नहीं थे, टूल्स नहीं थे, मेथड्स नहीं थे जिनके थ्रू यानी वो अपनी नॉलेज को है डॉक्यूमेंट कर सके। पर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इसको बोटेनिकल नॉलेज को है डॉक्यूमेंट कर सके। अब भी हम जाके अपने इंडिजीनियस पीपल से जाके इंडिजीनियस पीपल से जाके हम लोग उसे नॉलेज इकट्ठा करके उसे हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जो हमारे जो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि दिस स्पीशीज को एक्सप्लोर कर सकें, दिस स्पीशीज को एक्सप्लोर कर सकें। अभी भी हम इंडिजीनियस पीपल के पास जा सकते हैं, नॉलेज ला सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और भी नए स्पीशीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरह ये हमारे फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए भी एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी। थैंक यू। मेडिसिनल प्लांट हमारा जो टॉपिक है, तो सबसे पहले बताया कि इथ्नोबॉटनी किसे कहते हैं, उसका पूरा डीपली मेरी फ्रेंड एमन ने बताया कि इथ्नोबॉटनी होता क्या है। उसके बाद हम आज जो रिसर्च वर्क कंप्लीट किया उसके बाद और जो हमारे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने का जो मकासद थे और उसने बताया। अभी मैं बताऊँगी लिटरेचर रिव्यू बताऊँगी कि हमने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च तो किया है, लेकिन हमसे पहले बहुत से ऐसे रिसर्चर्स थे जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर पहले रिसर्च किया है, तो कुछ के नाम मैं यहाँ पर लेके आई हूँ और बताऊँगी कि किन किन ने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है, कब किया और कहाँ किया है।
तो जैसे कमर और इडाल ने 2019 में इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया था हरामुश वैली में, तो उसकी रिपोर्ट और जो हमारे हमने जो हमारा जो रिसर्च है उसके इसकी रिपोर्ट को जब कंपेयर करें तो कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो कि हमारे और इसके बहुत सेम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेल्फिनियम ब्रोनेनियम, जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में मखोती कहा जाता है और ये नमूने के लिए यूज होता है। ये हमारे हमारे रिपोर्ट में भी मौजूद है और जो इस रिसर्चर की रिपोर्ट में भी मौजूद है। इसी तरह एक और जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया था पिग्नम हरमाला, जिसको लोकल लैंग्वेज में स्पंदुल कहा जाता है और ये एवल रिपोर्टेशन के लिए यूज होता है और ये इसकी रिपोर्ट में भी मौजूद है और हमारे रिपोर्ट में भी मौजूद है। इसी तरह एक और रिसर्चर है अब्बास एट आल ने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया था 2013 में, तो उसने नल तरवेरी में इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया था। तो एक और प्लांट है जो कि हमारे पास भी है और इसकी रिपोर्ट में भी मौजूद है पुनिका ग्रेनेटम, जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में अनार कहा जाता है। ये बीपी के लिए यूज होता है और जो हमारे लीवर की जो बीमारियां होती है उसके लिए यूज होता है और जो हमारे इंटरनल इंजरीज होती है उसके लिए यूज होता है। तो अच्छी बात यह है कि हमारे जो सुपरवाइजर थे चोरी ऑफ साइंस क्लब अजमेर अब्बास और मीनारी रोहानी, इन्होंने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है। सर अजमेर ने हरामुश वैली में इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है, तो माशाल्लाह से उसकी जो पेपर्स थे वो पब्लिश हो चुके हैं और हमारी भी फिरा ने भी इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है अस्तौर वैली में। सो थैंक यू वेरी मच। और इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स बताए, तो इसके बाद हमारे पास आता है मेथोडोलॉजी। जो कोई भी एक रिसर्चर होता है वो अपना रिसर्च जो है वो कंप्लीट करता है एक मेथड के जरिए। उसके पास एक मेथड होता है जिसके जरिए वो अपना रिसर्च कंप्लीट करता है। तो हमारा रिसर्च सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारे स्टडी एरिया के बारे में बताऊंगी। हमारी स्टडी एरिया जो है वो गिलगित बल्तिस्तान ही है। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुनिया में मशहूर है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी पाई जाती है, जिसमें प्लांट्स और ट्रीज पाई जाती हैं। तो फिर जो प्लांट्स हैं वो उनमें से कुछ जो प्लांट्स और ट्रीज हैं वो इतना बोटैनिकल होती हैं, यानी मेडिसिनल प्लांट्स होती हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है हमारा इंटरनल या एक्सटर्नल जो कोई भी बीमारी हो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्लांट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में उनको ख़त्म ना करें, उनको ना बचे, एक्सपोर्ट ना करें, ताकि हमारे अपने लिए ही फ़ायदा हो, हमारे अपने लोग के लिए ही फ़ायदा हो। इसके बाद हम लोगों ने डेटा कलेक्शन कैसे किया। डेटा कलेक्शन हमारे सारे कलीग्स थे, उन्होंने हम सब अलग अलग जगहों पे गए, जैसा कि जलालाबाद, बगरोट, पिसन और नगे साइड पे। तो फिर उधर हमने किया और हम लोगों ने क्वेश्चनेयर बनाए, जिसके जरिए हमारे जो बड़े थे, हमारे बुजुर्ग थे, उनसे हम लोगों ने पूछा कि वो लोग पहले ज़माने में कौन सा प्लांट इस्तेमाल करते थे, कैसे करते थे और उसका कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जो रिसर्च जर्नी, इसके बाद हमारा रिसर्च जर्नी जो है वो जनवरी में हम लोगों ने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया था और उसके बाद हम लोगों ने जून जुलाई तक हम लोगों ने अपना रिसर्च जर्नी जो है वो चलाया। उसके बाद हम लोगों ने जुलाई में इसका रिपोर्ट निकाला। थैंक यू। रिपोर्ट कंडक्ट किया था जी भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने ये कंडक्ट किया था। थ्रू हमने क्वेश्चनेयर्स इंटरव्यूज और डिफरेंट हमने जो है वाइवल के थ्रू इंडिजिनियस पीपल्स हमने जो अपना डेटा है जो कलेक्ट किया था और हमने डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट किए थे डिफरेंट एरियाज से और हमने उसे कलेक्ट किया है जो कि हम आपको शो करके दिखाते हैं। इसमें हमने जो है बाकायदा सैंपल्स इकट्ठे किए हैं, उसके साथ हमने इसका बोटेनिकल नेम, फैमिली नेम, उसका लोकल नेम, इसका पार्ट ऑफ यूज, मेथड ऑफ यूज, डिजीज क्या है, किस डिजीज के लिए यूज होता है, बाकायदा हमने जो है मेंशन किया और हमने अपने जो रिसर्च प्रपोजल जो बुक जो है उसमें भी हमने बाकायदा मेंशन किया है। उसके बाद हमने जो है ये सारे सैंपल्स इंडिजीनियस पीपल से इकट्ठे किया है और हमने इसे डॉक्यूमेंट किया है और ये हमारा जो रिसर्च है एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है हमारे फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए, ताकि वो भी देखें, वो भी यानी इस रिसर्च के ऊपर और भी काम करें और हमारे जो फ्यूचर है उसमें भी हर्बल मेडिसिनल प्लांट के ऊपर और भी फोकस करें, ताकि हम अपने साइड इफेक्ट से बच सकें और नेचुरली चीज़ें यूज करें। थैंक यू। पूरा रिसर्च वर्क किया तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंक्लूजन तो निकला होगा लास्ट में। तो सबसे पहला जो कंक्लूजन हमारा
का जो हमने जो चीज फील की कि हर्ब्स जो है इतने बोटेनिकल चीजें जो है गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक मौजूद हैं। जैसे पास तो पास था थी चीजें बहुत सारी, मतलब पास में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन थे जो इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन प्रेजेंट अभी जो हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है जनरेशन जो है मुख्तलिफ जनरेशन आती जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग प्लांट्स को फजूल तरीकों से हम लोग डैमेज कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कंक्लूजन में। और जो है हमें पता चला कि जो डिफरेंट हर्ब्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है और हमें चाहिए कि हम इनको डिफरेंट मेडिसिन के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करें। उसके अलावा हम लोग जब कोई प्लांट ऐसा मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये नहीं कि वो सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट करता है बल्कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा भी होता है। उसका कोई केमिकल साइड इफेक्ट नहीं होता, साइड इफेक्ट्स होते हैं तब इतने वो पूरे वगैरह साइड इफेक्ट्स नहीं होते जितना केमिकल जो मेडिसिन होते हैं उनमें होते हैं। उसके अलावा है हम लोगों ने अपने जो डिस्ट्रिक्ट है अपनी जो वैली है उसमें 90 स्पीसीज रिकॉर्ड की थी, ठीक है, जिसमें से सबसे जो लार्जेस्ट फैमिली थी वो हमारे पास थे एस्ट्रेसी, जिसमें 12.06% जो है वो प्लांट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं। उसके बाद हमारे पास है फेबियसी जिसमें हमने 7.09% हमने कलेक्ट किए हैं। उसके बाद पॉलीगोनेसी एंड रोसेसी के हमने 7.67% बहुत में यही हमने फाइंड किया है। इससे भी जो डिफरेंट जो वो थे प्लांट्स थे पाए जाते थे डिफरेंट स्पीसीज में वो इससे कम मिकदार में थे, लेकिन है ये हम और हम आगे चाह रहे हैं कि इसको एक्सप्लोर करें और आगे जो रिसर्चर्स हैं इसके ऊपर काम करें और आगे भी बताएं ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसे इस सब के बारे में नॉलेज हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एनी।